बराए मेहरबानी इस हिदायत को गौर से नोट फरमा लीजिए, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई, सब दोस्त खैर खैरियत के साथ होंगे। आप भाइयों के खिदमत में एक जेन्युइन ट्रक पेश कर रहा हूँ, तो इस ट्रक को आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो और इसकी कंडीशन को भी देख सकते हो। तो ये गाड़ी है हिनो FB2 जापानीज ओरिजिनल ट्रक। तो चलते हैं, मज़ीद आगे जाकर आपको गाड़ी की रिव्यू कराते हैं और मुकम्मल कंडीशन दिखाते हैं। गाड़ी का मॉडल है 2003। मुकम्मल कागजात, टोकन, टैक्स अपडेट, कागजात के लिहाज से कोई कमी बेशी नहीं है। न्यू हैवी ट्राली, 6 टायर न्यू इंस्टॉल्ड, 100% जेन्युइन इंजन स्टैंडर्ड, 10x10 कंडीशन, 165 हॉर्स पावर। गाड़ी में किसी किस्म का कोई काम वगैरह नहीं है। केबिन में भी किसी किस्म का कोई काम नहीं है। साफ़ सुथरा गाड़ी का केबिन है। इसके अलावा बॉडी में भी किसी किस्म का कोई काम वगैरह नहीं है। कलर वगैरह साफ़ सुथरा है और मजदूरी के लिए काबिल एतमाद गाड़ी है, जिसे आप भाई ख़रीद सकते हो। केबिन की अंदर की कंडीशन को अगर देखा जाए तो अंदर की कंडीशन भी साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। गाड़ी का डैशबोर्ड साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। डैशबोर्ड में किसी किस्म का कोई काम वगैरह नहीं है और गाड़ी के इंटीरियर साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हैं। गाड़ी का मीटर साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। मीटर गाड़ी का वर्किंग में है, तो लिहाजा मीटर में भी किसी किस्म का कोई काम वगैरह नहीं है और मीटर डैशबोर्ड साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हैं। केबिन के छत को अगर अंदर से देखा जाए तो अंदर से छत साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। इसके अलावा गाड़ी के सीट साफ़ सुथरे हैं। सीटों के ऊपर कुशन कपड़े का मुकम्मल काम हुआ है, तो लिहाजा गाड़ी के सीट भी साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हैं और किसी किस्म का कोई काम वगैरह नज़र में नहीं आ रहा है। दोनों दरवाज़ों के सील ओरिजिनल लगे हुए हैं, कोई सील डैमेज वगैरह नहीं है। इसके अलावा हैंडल लॉक क्लियर नज़र आ रहे हैं, साइड ग्लास क्लियर है, तो केबिन में किसी किस्म का कोई छोटा या बड़ा काम होने वाला नहीं है और गाड़ी का केबिन स्टैंडर्ड कंडीशन में नज़र आ रहा है। आप भाइयों ने गाड़ी की मुकम्मल कंडीशन को देख लिया होगा, तो भाई मेरे अच्छे कंडीशन की गाड़ी है और जेन्युइन ट्रक है और किसी किस्म का कोई काम वगैरह होने वाला नहीं है, तो इस गाड़ी को आप ख़रीद सकते हो। तो ओनर का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ओनर से डायरेक्ट रابطہ कर सकते हो। साथ साथ गाड़ी की लोकेशन आप भाइयों को बताता चलूँ, तो इस गाड़ी की लोकेशन है मोहला कॉलोनी आरिफ वाला। तो आरिफ वाला से आप ये गाड़ी बाय कर सकते हो। अगर इस गाड़ी की डिमांड की बात की जाए तो इस गाड़ी की डिमांड है 38 लाख रुपए। तो ओनर 38 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है, आप भाई ओनर से रابطہ कर सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन में ओनर का मौजूद है। अगर आप भाइयों को मेरी ये वीडियो अच्छी और ज़बरदस्त लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। तो इसी के साथ आपका भाई आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।